Hi, this is Tejasvi and you're watching me on Telebytes. और इस सेगमेंट का नाम है मुझको पहचान लो। एंड माय निकनेम इज तेजू, पीपल कॉल मी तेजू। कॉलेज के फ्रेंड्स मुझे टीजे बुलाते हैं या फिर तेजा भाई बुला लेते हैं। माय बर्थ डेट इज 10th of June 1992। जेमिनाइन है इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, पर मोस्टली तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से मैं लिब्रन हूँ। तो जेमिनाइन के हिसाब से, क्योंकि ड्यूअल पर्सनालिटीज़ होती है और लिब्रन है तुला राशि जिसमें हम बैलेंस करते हैं, तो आई थिंक मैं अपनी दोनों पर्सनालिटीज़ बहुत अच्छे से बैलेंस कर लेती हूँ। हाँ, मैं अपने सनसाइन से बहुत ज़्यादा रिलेट करती हूँ। आई एम अ क्वालिफाइड इंजीनियर, I've qualified in electronics and telecommunication. So, हाँ, this is my qualification. I'm a bachelor's of engineer and अभी आगे पढ़ना है नहीं है, अभी तक decide नहीं किया, let's see. मेरा small family है, mom, dad और मेरा छोटा भाई है, बस हम चारों हैं जो एक घर में रहते हैं, बस. रेड, क्योंकि माई स्टार इज सन, तो सन के जो भी सारे शेड्स हैं वो सारे ही मुझे सूट करते हैं, बी इट ऑरेंज, रेड, येलो, वट एवर, बट द ब्राइटेस्ट इज रेड, सो आई लाइक रेड. आई एम अ बिग फूडी, तो मुझे जब खाने को लेकर चूज़ करना हो तो आई डोंट थिंक मैं ईजिली चूज़ कर पाऊँगी, बट बिकॉज आई एम अ हार्ड कोर नॉन वेजिटेरियन, आई लव चिकन एंड फिश, पर अब क्योंकि श्रावण चल रहा है मैं पक्का वेजिटेरियन हूँ, तो अभी एंड आई एम नॉट इवन ईटिंग कांदा लहसुन, तो अभी मैं शायद जैन पाव भाजी बहुत पसंद करती हूँ. डिज़र्ट वुड बी केक और सिज़लिंग ब्राउनी. मुझे पैनाकोटा भी बहुत पसंद है. आदित्य रॉय कपूर एंड आई लाइक इरफान खान, कंगना रनौत एंड दीपिका पादुकोण. माय गॉड, देयर आर सो मेनी. आई लाइक पीकू, आई लाइक, बट दिस इज नॉट अ बॉलीवुड मूवी. मुझे ओरिजिनल दृश्यम जो मलयालम में है वो बहुत पसंद आई थी, और लेटेस्ट या फिर मुझे ब्लैक भी पसंद है. मुझे और कौन सी बॉलीवुड पसंद है, आई रियली कांट थिंक ऑफ एनीथिंग राइट नाउ. ड्रीम रोल तो हमेशा से एक, आई वॉन्टेड टू प्ले अ डुअल पर्सनैलिटी, लाइक मेंटली रिटार्डेड टाइप्स. अभी भी इस शो में थोड़ा डुअल पर्सनैलिटी हो रहा है कि मतलब दिल से बहुत अच्छी है पर कभी कभी बुरी चीज़ों की वजह से बुरा करना पड़ रहा है. तो एज अ मेन लीड आई एम नॉट गुडी गुडी ऑलवेज, थोड़ा सा एक बैड ग्रे साइड भी है मुझ में, वो बहुत मज़ेदार है. पर एक कम्प्लीटली डुअल पर्सनैलिटी, जैसे मल्टीपल पर्सनैलिटी होती है, वो मुझे मैं प्ले करना चाहूँगी. ऑल्सो मैं जब भी पुरानी फिल्में देखती हूँ और जब भी पुराने फिल्मों की वो तवायफें होती थी ना, वो अदाएं, वो जो एक बॉडी लैंग्वेज होती है, वो मैं ज़रूर करना चाहूँगी. सी, देर आर लाइक 2-3 ब्रांड्स दैट आई हैव टू एंटर व्हेन आई गेट इनटू अ मॉल, विच इज़ बीबी और फॉर एवर न्यू एंड ज़ारा, विच इज़ आई एम टॉकिंग व्हेन आई एम इन इंडिया. और अदरवाइज व्हेन आई गो टू दुबई और एनीवेयर एल्स, आई हैव टू गो टू बर्शका और न्यू लुक. These are very casual brands. That's if I'm just buying them for my regular parties. But if I'm looking at something big, then I think River Island. I love River Island, and I think these are the brands I like. I think my mom, because she's always been independent, or my father lives away,
तो हमेशा माय मॉम हैज़ बीन माय मदर एंड फादर एंड शी इज़ ऑलवेज टॉट मी हाउ टू बी इंडिपेंडेंट एंड टू टेक माय डिसीजंस ऑन माय ओन. तो द कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम हर, क्योंकि मम्मी ने हमेशा बोला है कि जब भी मुझे खुद पर भी कॉन्फिडेंस नहीं रहा है कि मैं कर सकती हूँ या नहीं, तो मम्मी ने बोला नहीं तू तो कर ही लेगी. तो कभी कभी मुझे लगता था अरे मुझे ही पता नहीं है मैं कर पाऊँगी या नहीं, और आपको इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता. तो मैंने बोला मैं बोल रही हूँ ना तू करके तो देख, और हमेशा हो ही जाता था मुझसे. तो आई थिंक शी इज़ ऑलवेज इंस्पायर्ड मी टू रीच अ लेवल हायर इन माई लाइफ. When I'm hungry, really, like जब when I'm hungry, I need food and I need it right now. कभी कभी मैं friends के साथ when I'm out, we're having a good time and I'm really hungry and they're like कहाँ जाए यार, कुछ अच्छी decide करो जगह, क्या order करें. मैं एक फ़ोन करके मेरी दो dishes order कर लेती हूँ, मैं बोलती हूँ तुम लोग decide करते बैठो, मेरा खाना आ रहा है. So nobody can mess with me when I am hungry. Oh my god, the first time I faced camera, my director gave me the toughest scene of the episode, of the pilot. Hum pilot shoot kar rahe the aur us pure pilot ka sabse difficult jo scene tha wo mera first scene unhone rakha, kyunki jo bhi difficulty thi wo pehle hi scene mein tackle karte to fir baaki ke scenes aasan ho jate. To my first scene was a 27 takes wala scene. I think 27 hai, usse zyada hi hoga, par 27 se kam to nahi hoga. To mujhe rona tha us scene mein aur मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था. मुझे हमेशा से लगता था शूटिंग में ऐसा होता कि हीरो मतलब एक्टिंग करते वो होंगे, डायरेक्टर होगा और एक इंसान होगा जो कैमरा पकड़ के होगा. जब मैं कैमरा के सामने गई पता चला पीछे कैमरा के पीछे 50 लोग हैं, और मैं सर को पूछी सर मैं इतने सारे लोगों के सामने कैसे रहूँ, सब मुझ पर हंस देंगे, मैं ऐसे कैसे करूँ. इतने सारे लोग थे, मुझे पता ही नहीं था कि कैमरा के पीछे इतनी सारी चीज़ें होती रहती है. तो हाँ, दैट वॉज माई फर्स्ट शॉट. It was a very good check. मतलब मैं सिर्फ 18 साल की थी जब मैंने पहला शो किया था अपना 26/12 जो लाइफ ओके पे था, एंड एज अ मेन लीड आई थिंक आई वर्कड फॉर गुड 30 डेज और फर्स्ट सैलरी चेक कितना आई थिंक इट मस्ट बी अराउंड लाइक 1.5-2 lakhs ईजिली. और तभी के लिए से था कि ओ माय गॉड इतने सारे पैसे मैं कमा रही हूँ. हाँ, और मेरी एज के जो भी लोग थे वो तो कमा भी नहीं रहे थे, तो वो ऐसे थिंकिंग कि मेरी पॉकेट मनी सबसे ज़्यादा अच्छी है ये सोचकर. और ये बात मुझे तभी पता नहीं थी बिकॉज जो पैसे की चीज़ें थे वो मेरी पेरेंट्स ने कभी मुझसे ज़्यादा डिस्कस नहीं किए थे, तो बाद में पता चल गया था. आई थिंक आई गॉट अबाउट लाइक 1.5 lakh ईजिली. बस थैंक यू कहना चाहूँगी. पता है कि अभी रागिनी बहुत सारी गलत चीज़ें कर रही है और इसीलिए आप में से बहुत लोगों को मैं पसंद नहीं भी आ रही होंगी, पर क्योंकि स्वरागिनी में रागिनी भी है, बहुत जल्द आपको मुझ में जो भी अच्छाई है वो देखने मिलेगी. तो बस होप कर रही हूँ कि आप वो वाला साइड ऑफ मी भी पसंद करें, और जैसे आप हमारा शो देखते आ रहे हैं, हमें इतना सारा प्यार देते आ रहे हैं, प्लीज़ कंटिन्यू डूइंग दैट, क्योंकि हम यहाँ पर आप सबको एंटरटेन करने के लिए जो भी मेहनत करते आए हैं वो करते रहेंगे. आज तक जहाँ तक भी पहुँचा है, नंबर 4 पे है शो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी हम आपको ऐसे ही एंटरटेन करते रहेंगे और नंबर 1 पहुंचेंगे बहुत जल्द.